नानक ठगिया मुठा जाए। श्रवण कीजिए। नानक नानक ठगिया मुठा जाए, विण नावे पत गया गवाए, विण नावे पत गया गवाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह एक विशेष पहलू समझा रहे हैं। एक बात को ध्यान से समझना सत्संग जी, इस संसार में ना बहुत सारे ठग होते हैं जो दूसरों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं चाहे कोई, और असल में मूर्ख बनने का कारण होता है उनकी चालाकी नहीं, हमारा लालच। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल लालची आदमी उन ठगों के चक्कर में आता है जो कहते हैं एक का दस कर देंगे, एक का चार कर देंगे। कई बार ये फ्रॉड सुनने को मिलते हैं आपको, कई बार आप सुनते होंगे, कईयों के साथ हुआ भी होगा। और फंसता कौन है? लालची। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक ठगने वाला, एक जो ठगा जा रहा है। जो आदमी ठगा जाए, लोगों को पता चल जाए ना, तो लोग उसे कहते हैं बहुत बड़ा मूर्ख है, तो हंसते हैं उसके ऊपर कि तू ठगा गया, तू बेवकूफ बन गया, तू मूर्ख बन गया, तुझे ठग लिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं मेरी नज़रों में सबसे बड़ा मूर्ख, मेरी नज़रों में सबसे बड़ा ठगा गया जो इंसान है वो है जो नाम नहीं जपते हैं। उनका तो सारा जीवन ही ठगा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 84 लाख जोनियां भुगतने के बाद, इतना दुख पाने के बाद यह अवसर मिला नाम जपने का, और जिसने यह अवसर भी अपना गवा लिया छोटी सी कीमत के पीछे, धन के पीछे, तो मानो उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है, वो ठगा गया असल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ठगया मुठा जाए, विण नावे पत गया गवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना नाम जपे अपनी इज्जत गवा कर, ठग कर सारा जीवन अपना ठगवा कर, वो इस दुनिया से जाता है कौन? जिसे नाम की भूख नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।